वापस मंकू के घर पे आ गए हैं और धनंजय भी हमारे साथ है। सब लोग अभी मिलके जाने वाले हैं एक स्पाइसी जगह पे। वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको बताएंगे कि क्यों ये ब्लॉग स्पाइसी होने वाला है। चलना वरना खो जाऊंगा। फाइनली पहुंच गए अलूडा स्टोर। कानपुर में काफी जगह है जहाँ पे आप नॉनवेज खा सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा अड्डा है जो कानपुर का सबसे पुराना अड्डा है चिकन के लिए। इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ के ओनर से और आइए उनसे मिलते हैं। हमारे साथ शारिक हुडा जी जुड़े हुए हैं जिनका ये स्टोर है और ये खुद बताएंगे अपने ही मुँह जबानी कि ये स्टोर कब शुरू हुआ और किसने स्टार्ट किया। मेरे ग्रैंड फादर के फादर ने स्टार्ट किया था। ओके। अराउंड 1950 के आसपास। ओके। हाँ, और इसको लगभग 65 टू 60 इयर्स हो गए हैं। 60 इयर्स और कोशिश है और 60 के और बेटर इसको करने की और इसको एक्सपेंड करने की और इसको और आगे तक ले जाने की। नहीं, डेफिनेटली अगर कोई भी चीज़ हम लोग को हैंड ओवर करी जाती है, हम लोग की जनरेशन ऐसी है आज की डेट में मेरे हिसाब से कि हम लोग के अंदर खुद भी ऐसी जील है, ऐसी तमन्ना होती है कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो हम लोग उस चीज़ को और ऊपर तक लेके जाए, तक बनाएं और उसको एज अ ब्रांड बनाएं, उस चीज़ को और इन्हेंस करें। क्योंकि मैंने दोस्तों देखा है कि जब भी मैं इनकी स्टोर पे आया हूँ, जब भी इनकी शॉप पे आया हूँ, बिल्कुल खचाखच भरी रहती है। आपको कभी भी निकलने की जगह नहीं मिलेगी, खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। देर विल बी ऑलवेज अ होल्ड। लोगों को वेट करना पड़ता है। और जस्ट टू लेट यू नो क्या हो रहा है इस स्टोर में, ये स्टोर जैसा इनने बताया इनके ग्रैंड फादर के फादर ने स्टार्ट किया था, तो ये बहुत ही लॉन्ग पीरियड है जो ये स्टोर कवर कर चुका है। राइट? यस, बिल्कुल राइट। अगला मेरा सवाल आपसे शारिक जी ये है कि जैसा आपने बताया कि 60 साल से ये चीज़ चली आ रही है, तो इस स्टोर की 60 साल पहले क्या यूएसपी थी, क्या चीज़ यूनिक थी, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा सेलिंग थी और आज की डेट में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा सेलिंग है? मेरे ग्रैंडफादर के फादर ने जो स्टार्ट किया था सबसे पहले कबाब पराठे और फिश। ओके। यही सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। हाँ। और आज भी वही चीज़ यहाँ पर फेमस है। अच्छा। वही चीज़, बस डिफरेंस इतना है कि उस टाइम पे 1 रुपए में 15 पराठे आते थे और आज 15 रुपए का 1 पराठा है। 1 रुपए में 15 पराठे, आप समझ रहे हो, 1 रुपए में 15 पराठे और आज की रेट में क्या बताया आपने, 15 रुपए का 1 पराठा है, मतलब वैसे वर्षा हो गया इसका। अगला सवाल मेरे लिए ये है कि इनकेस अगर कोई भी चीज 60 साल के टाइम पीरियड से चल रही है तो ऐसा कौन सा एक मेमोरेबल मोमेंट है जो आपके लिए भी सरप्राइजिंग था और आपके ग्रैंडफादर के लिए भी जो स्टोर में हुआ हो आपके आंखों के सामने? मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग मोमेंट ये था कि जब
यहाँ पर इंडिया और इंग्लैंड का मैच, सॉरी इंडिया और किसी फील्ड का मैच हो रहा था, तो सुरेश रायना सडनली हमारे वहाँ आए थे। वो भी, उनको भी किसी मीडिया के ज़रिए या किसी से पता चला था। अच्छा। कि और उनके यहाँ पर एक दो फ्रेंड भी थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ चलना है, और वो आए और चुपचाप आके एक जगह बैठ गए। उन्होंने उनको उनको कोई पहचान नहीं पाया होगा। तो बाद में लोगों ने देखा कि जो वहाँ बैठे साथ में खा रहे थे, कि सुरेश रायना साहब बैठे यहाँ, तो इसलिए फिर वो मेरे लिए मेमोरेबल मोमेंट था। उन्होंने काफ़ी पसंद की चीज़ें, क्योंकि डेफिनेटली अगर कोई, मतलब जैसे पहले इनका स्टोर इतना बड़ा नहीं था, अभी आप देखोगे कि स्टोर बहुत अच्छे से फर्निश्ड हो गया है। बाहर आपको बहुत ही हाईलाइटेड एक बैनर मिलेगा, जिसको आप दूर से पढ़ सकते हो कि अलूडा कहाँ पे है। तो मतलब ये भी शायद रिसेंटली हुआ है कि हम लोगों ने पूरा चीज़ फर्निश कर लिया और हर चीज़ अलग। हाँ, रिसेंटली वो धीरे धीरे ये फर्निश्ड होता गया। वैसे भी इस स्टोर को भी बहुत टाइम हो गया, तो धीरे धीरे चेंजेस हुए, धीरे धीरे उसमें सब अपडेट्स होते गए। और मेरे हिसाब से जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, उनके वेतन में, उनके सैलरी में भी काफ़ी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया होगा। ये डिफरेंस तो इतना ह्यूज है कि जो हमारे यहाँ आज भी प्रेजेंट हैं, जब वो आए थे तो उनकी सैलरी 1 रुपये थी, और आज उनकी सैलरी तो बहुत हाई है। मतलब एक्सपोज नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आज की तारीख में वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, राइट? बहुत हाई है। हाँ, लेकिन क्या वो खुश हैं आज भी जैसे वो पहले थे? बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि उनकी वो हमारे लिए एज अ एम्प्लॉय नहीं, एज अ फैमिली मेम्बर है। क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ मोस्टली, तो हमारी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी है इसको यहाँ पर। जैसे डेली का हम देखें कि डेली का फुटफॉल कितना है, मतलब लोग कितने आते हैं पर डे के बेसिस पे, और कितने बजे खुलता है और कितने बजे बंद होता है, ताकि हमारे सब्सक्राइबर जान सकें कि हम लोग कैसे आएंगे। वैसे ये 5 PM से सब कुछ अवेलेबल होता है यहाँ पर, और करीब 11 बजे तक तो बंद करने का टाइमिंग है। ओके। मगर पब्लिक आती रहती है, 1:30-2 बजे आता है रात में। गाइस, पब्लिक आती रहती है, 1:30-2 बज जाता है, एंड मैं समझ सकता हूँ इनकेस अगर पब्लिक आ रही है, कानपुर की पब्लिक को अगर आप नहीं जानते हैं, वो बहुत ही भसड़ करने वाली पब्लिक है। वो आती है तो वो खा के ही जाती है, वो ऐसे नहीं जाने वाली है, राइट? बिल्कुल, खा के जब वो आ गई है, उसका कहना मैं आ गया हूँ तो मैं खा के जाऊँगा। अब तुम पैसे लो चाहे ना लो, खिला के तो तुम भेजोगे। यार, टू बी ऑनेस्ट, अलहुडा में आके एक बात तो सॉलिड मैंने तय, मतलब तय जिसे बोलते हैं, वो है कि यार पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। जैसा कहा था, टेस्ट के माफिक आप क्या कहोगे, कितना रेट करोगे अलहुडा में? स्पेसिफिकली मैं कहूँगा बिरयानी के लिए, जो हम लोग बिरयानी, तो यार टू बी ऑनेस्ट कि आई हैव ट्राइड अ लॉट। हर जगह जाओगे आपको हर 3 किलोमीटर पर एक नया टेस्ट मिलेगा, मुंबई से, दिल्ली से, पुणे से, हर जगह हुआ। बट अभी भी मैं खा रहा हूँ एंड आई एम गिविंग दिस रिव्यू। अगर आप इनके हाथ देखेंगे तो ये चम्मच भूल गए थे बीच में, उसके बाद फिर हाथ से गोते लगाने लगे थे बिरयानी में। स्पेशलिटी तो जो है, मतलब है कि यार जो एक वो लौंग का, जो इलायची का जो एक एसेंस है ना, वो मतलब आई वुड नॉट रियली से कि हैदराबादी है या मुरादाबादी है, कानपुर वाली, बड़े कानपुर वाली है। और ये अपने आप में कानपुर वाली बिरयानी है, ये कोई हैदराबादी नहीं है, कोई मुरादाबादी नहीं है, उन सबको भूल जाइए, कानपुर आइए, एक बार यहाँ की बिरयानी खाइए, फिर बात करेंगे। और बहुत सही है यार बिरयानी, तो मतलब हम बहुत कुछ खाया है हमने, बट अभी ये है कि बिरयानी पे आके अटक गए। सो गाइस, जस्ट टू टेल यू कि मोस्ट फेवरेट, मोस्ट डिमांडिंग कुजीन क्या है, जो भी हमारी टेबल पर रखा है, मोस्टली तो आपको दिखेगा कि सब चट चुका है, सब कुछ खा चुके हैं, धनंजय भैया सब खत्म कर चुके हैं, लेकिन शारिक भाई बताएंगे कि क्या क्या फेवरेट था और क्या क्या सबसे ज़्यादा चलता है यहाँ पे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो कबाब पराठा, फिश और बिरयानी, ये 3 चीज़ों की डिमांड रात में 2 बजे भी होती है, और जब शटर बंद हो जाता है उसके बाद भी होती है। लोगों की कॉल आती है, भाई अब कुछ बचा है हमारे आपके पास तो मुझे प्रोवाइड करा दिए। तो ये समझ लीजिए, ये ठेके से कम नहीं है। आराम से यहाँ पे कोई भी हल्ला बवाल करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आइए, बॉडी बनाइए, काफ़ी बॉडी बिल्डर लोग भी आते हैं यहाँ पे, रोस्टेड चिकन, एवरीथिंग यू विल फाइंड हियर। सो डेफिनेटली चेक दिस स्टोर आउट, आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जिसमें लोकेशन होगी, आप क्लिक करोगे आपको सीधे अलहुडा में ड्रॉप कर देगा गूगल मैप्स। ओके,
सो अभी ये वीडियो यहाँ पे रैप अप करते हैं एंड वी लीव फॉर आवर प्लेस नाउ. और जो हमारे प्रॉफिट है मोहम्मद साहब उनका नाम हुदा है. अच्छा. मेरा नाम हुदा है, ये मेरा बेटा है. अच्छा. वो हमारे पिताजी से बैठे थे. ये तीर पुश्ते तो आपके सामने है. अच्छा. तो उसी पे हमने अल लगा दिया. अच्छा, अच्छा. उस पर फिट हो रहा था अरबी ने. और ये सब लड़के मामा 25-25 साल हो गए वो बैठे हुए हैं. चचा मियाँ कहाँ गए जो सबसे झगड़ते हैं. वो 3 रुपये रोज पे लगे थे, 500 रुपये रोज मिलते हैं. ये लड़का इतना छोटा आया था, 2 बार लेबर इंस्पेक्टर ने पकड़ा था. 500 रुपये रिश्वत. और 3 बच्चे उसके खुद हैं, आपके भी एक नहीं. नहीं सही है भैया, बहुत अच्छा लगा. चलिए भाई, थैंक यू सो मच. नहीं है अंकल, बिल्कुल भोपाल में बिल्कुल शुरू हो गए. अल्लाह.